हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मेरी पढ़ाई पे। तो आज हमने फ्रिक्शन में आपको पूरा लेक्चर बता दिया था, तो आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन के माइंड मैप की, जो कि लास्ट फाइनल है इसका। यह आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रॉमिस है मेरा। बस आप देख लो, इसको अच्छे से देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो फ्रिक्शन, फिर क्या लिखा हुआ है, ड्रैग लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर क्या लिखा हुआ है, गुड फ्रिक्शन लिखा हुआ है, बैड फ्रिक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, टाइप्स लिखे हुए हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पहले गुड फ्रिक्शन के बारे में। तो गुड फ्रिक्शन में क्या होता है, होल्डिंग अ पेन पेंसिल, पेन पेंसिल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। नेल इन टू अ वॉल, किसी दीवार में हम आप नेल को बहुत इंगेज कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, स्टैंडिंग और रनिंग, ये फ्रिक्शन की वजह से सारे काम होते हैं, ठीक है क्लास। ओके, तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, हम बोर्ड पे लिख भी पाते हैं, और आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक में भी लिख पाते हैं, है कि नहीं। देखो सूज दिया हुआ है, जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, जाते हैं सारे बच्चे स्कूल, एट क्लास में तो जाते ही हैं, ठीक है। तो उनका सूज होता देखा, खूब स्कूल में जाने के बाद खूब फिसलते हैं, टीचर्स देख रहा है, धीरे से इधर से निकल गए, ठीक है, फिर टीचर देख रहा फिर निकल गए, ऐसे करके खूब जो जो है मैंने पूरे जूते ख़राब कर देते हैं। फिर घर में पूछा जाता, ऐसा क्या, नहीं वो पापा हो गया ऐसे, है ना। तो हम बात करते हैं गुड फ्रिक्शन की, ये सारे के सारे किस में आते हैं, गुड फ्रिक्शन में आते हैं, होल्डिंग अ पेन पेंसिल, नेल इन टू वॉल, वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड रनिंग, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, गुड फ्रिक्शन में। अब बात करते हैं हम बैड फ्रिक्शन की, इसकी बात करते हैं बैड फ्रिक्शन की। तो बैड फ्रिक्शन में देखो क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखो, वियर एंड टीयर, शूज एंड टायर, लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट। अब देखो जब हम यहाँ पर चलेंगे, तो अगर इसके बीच जूते का फ्रिक्शन, जो गड्ढे वड्ढे होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ कि कैरम में जो पाउडर हम लगाते हैं, वो फ्रिक्शन को कम करने का करते हैं, ताकि स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, क्वीन और कवर एक ही बार में चला जाए, ठीक है। तो यूज़ ऑफ लुब्रिकेट में ग्रीस ऑयल का यूज़ करते हैं, बॉल बियरिंग का हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बता चुका हूँ, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह स्टैटिक हो, स्लाइडिंग भी हल्का सा स्लाइड करके, रोलिंग में मैंने आलू वाला एग्जांपल दिया था बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रैग की। ड्रैग मैंने बताया था जब कब लगता है, जब स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, बहुत अच्छे से बताया था। देखो चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया का भी वही कॉन्सेप्ट है जो एरोप्लेन का, देख लो, तो यहीं से ही कॉन्सेप्ट आया। तो इसीलिए मैं क्लास में आपको इसीलिए तरीके से पढ़ाता हूँ, जो तरीका चाहिए अच्छा पढ़ाने के लिए वैसे ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसी तरीके से कुछ नया ज़रूर करोगे। तो ड्रैग की बात करते हैं, जब कोई स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर में जब एयर हिट करती है, तो वह एयर जो हिट करती है वो फ्रिक्शन इन द शेप ऑफ स्ट्रीम लाइन, उस जगह उसको ड्रैग बोलते हैं, ओके। अब देख लो फ्लूड का भी ड्रैग कब लगता है, फ्लूड में फ्रिक्शन कब लगता है, देखो जब ये मछली जो है स्पेशल काइंड शेप है इसका, तो यहाँ फ्रिक्शन कैसा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपोजिट रिलेटिव मोशन, ये आप देखो यहाँ पे क्या अपोजिट रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, अपोजिट रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अगर इसको नीचे आएगा तो दोनों सरफेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। दूसरी बात, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। देखो लिखा हुआ एक्स ऑन बोथ सरफेस, कॉज बिकॉज ऑफ इरेगुलर द सरफेस, मैंने बताया था अगर सरफेस चिकना है तो आप इजिली चल पाओगे, अगर चिकना नहीं है तो बहुत टाइम लगता है वहाँ पे चलने। आपने भी देखा होगा रोड्स अच्छी एकदम भागते भगाते हुए ले जाते हो साइकिल अपनी, ठीक है, या बाइक अपनी एकदम यो बाइक, और अगर रोड अच्छी नहीं तो आप धीरे धीरे ले जाओगे, ठीक है क्लास। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, ये जानना एक माइंड मैप कवरिंग हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। जब भी ज़रूरत पड़े पूरी समराइज को अच्छी तरीके से समझने के लिए, प्लीज़ माइंड मैप को ज़रूर देख लें आप। तो क्लास आप, आई होप आपने